मैं डॉक्टर यूसुफ अलताफर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीएनबी एफएस मेडिकल कॉलेज, आज आपके सामने एक जो जो कोरोना वायरस पेंडेमिक फैल रहा है इसके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी मेरा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म कोरोना वायरस एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं, जैसे मर्स, सार्स जो पहले आ चुके हैं और जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है। ये जो कोरोना वायरस फैमिली है इसको कोरोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसके सर्फेस पर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें नॉर्मली अभी तक जो स्टडीज हैं, अभी तक जो वायरसेस आए हैं, चार वायरसेस ऐसे हैं जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन करते हैं। अभी ये नया वायरस जिसको हम कोविड-19 बोलते हैं, एनकोविड-19 बोला जाता है, ये एक नया वायरस है। इसको नोवल कहा जाता है क्यों? क्योंकि इसमें सपोजिटली एनिमल म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन से वो वायरस ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ और फर्दर वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। ये जो वायरस है कोविड-19, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मली माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में बांटे गए हैं। माइल्ड सिम्टम्स में 80-82% पेशेंट्स होते हैं सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, हल्की दिक्कत। मॉडरेट सिम्टम्स जैसे कि 10% पेशेंट्स के होते हैं और हार्डली 1-2% पेशेंट्स के अंदर सीवियर सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, हल्का सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इस टाइप के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब बात ये ऐसा क्यों कि जब इतने ऐसे ही सिम्टम्स हैं तो इस स्पेशली कोविड-19 पर इतना फोकस क्यों करा जा रहा है? उसका रीज़न ये है कि कोविड-19 का इन्फेक्टिविटी रेट नॉर्मल फ्लू लाइक वायरस से बहुत ज़्यादा है और इसमें हर एक बंदे को प्रिकॉशन लेने के लिए क्यों कहा जा रहा है, जबकि अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स होंगे वो ठीक हो जाएगा, तो फिर इतना प्रिकॉशन क्यों लिया जा रहा है? इसलिए लिया जा रहा है कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या आप ए सिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद भी, पर आप बहुत इन्फेक्टिव हो जाते हैं, आपसे और लोगों को इन्फेक्शन लग सकता है, जिसमें सोसाइटी में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60+ है या छोटे बच्चे हैं या जिनको कोई और साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई और बीमारी है, कोई दिल की बीमारी है, सांस की बीमारी है, कोई भी बीमारी है, ऐसे मरीजों में अगर कोविड-19 का एक्सपोजर हो जाता है तो ऐसे मरीजों का मोर्टैलिटी रेट काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए इसमें हम सबको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। कोविड-19 जो वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज होता है, अभी तक की जो स्टडीज में बताया गया है, जिसका कहने का मकसद ये कि आपका जब एक्सपोजर हुआ उससे विदिन 14 डेज में आपको अगर कोई सिम्टम या लक्षण आने होंगे तो वो क्लियर हो जाएगा है या नहीं। ईएनटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वायरस होता है इसमें जो सिम्टम्स आते हैं जनरल सिम्टम्स वो हमें आपको बता देते हैं। वैसे तो इस वायरस का बहुत ही वेरिएबल प्रेजेंटेशन है, बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन जो जनरल सिम्टम्स है ईएनटी ओपीडी में जो पेशेंट आ रहा है, ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है, उसमें इसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर और कॉफ, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का। कॉफ में प्रोडक्टिव हो सकती है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में इसमें ड्राई कॉफ विद फीवर प्रेजेंटेशन होता है। उसके अलावा आपको जो पेशेंट आप होते हैं रेंटी उनके उनको सोर थ्रोट हो सकता है, फिर गले में हल्का खराश टाइप की फीलिंग हो सकती है और वो विद टाइम जो खराश वाली फीलिंग वो बढ़ती जाती है और गले के दर्द में तब्दील हो जाती है। उसके अलावा पेशेंट को ड्राई कॉफ, थ्रोट एक, फीवर और कुछ पेशेंट्स में सांस लेने में दिक्कत, और ये दिक्कत बढ़ती जाती है या सीने में दर्द होना, ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये मेजॉरिटी सिम्टम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सिम्टम्स हैं तो कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसका बहुत ही वेरिएबल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। इसमें ये मेनली रेस्पिरेटर सिस्टम को ही अफेक्ट करता है, इसलिए इसमें सिम्टम्स होते हैं, लेकिन किसी किसी मरीज में उल्टी आना, डायरिया होना या पेट में दर्द होना, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन किसी किसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। अब ये जो वायरस है इस वायरस के अंदर हमको और जो अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं
तो जो बेस्ट डे होता है इन्वेस्टिगेशन करवाने का वो नाइन्थ डे होता है। नाइन्थ डे पर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट सही से सामने आता है। लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो आप अपने पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट करें, और आपको शक होता है या आपके पास ऐसी कोई हिस्ट्री है कि पेशेंट का कोई एक्सपोजर हुआ है या कोई ट्रैवल हिस्ट्री रह चुकी है कोई या कोई एक्सपोजर हुआ है किसी मरीज से कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो आप जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ जाकर अपना टेस्ट करवाएंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आप गवर्नमेंट का सोसाइटी का एक बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उस चेन को ब्रेक करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको वायरस है इस वायरस में आपको जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसे आरटीपीसीआर कहा जाता है, और इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। अभी वैक्सीन ट्रायल फेज में है और इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। कहने का मकसद है कि इसका जो ट्रीटमेंट है उसका जो पेशेंट को सिम्टम जो लक्षण होते हैं केवल उस उन लक्षणों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अभी प्रॉपर वायरस का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इस बीमारी का जो बचाव भी इस बीमारी का इलाज है और कोई इलाज नहीं है। तो इसमें हमको हम आपको बचाव के उस तरीके बताने जा रहे हैं। बचाव में आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो वायरस होता है ये हवा के द्वारा नहीं फैलता है। तो आपको कोई भी बंदा अगर सर्दी जुकाम छींक खांसी है ऐसे कोई सिम्टम्स कोई पेशेंट शुरू कर रहा है कोई बंदा शुरू कर रहा है तो आपको उससे मिनिमम 6 फीट का डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। क्योंकि ये वायरस कैसे फैलता है, जब कोई बंदा खांस रहा है छींक रहा है, अगर मान लीजिए उसने मुँह पे हाथ दे रहा और खांस से छींक रहा है तो वो जो वायरस होता है वो मैक्सिमम 100 मीटर तक रहता है। लेकिन हम जो एक गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से आपको उस बंदे से 6 फीट का डिफरेंस मेंटेन करना है, डिस्टेंस 6 फीट का मेंटेन करना है। आपको जो वायरस है ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे सरफेस पे चला जाएगा, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, आपका एक्सपोजर नहीं होगा। तो आपको ऐसे बंदे से 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। दूसरी बात, दूसरा तरीका ये मान लीजिए कोई बंदा हाथ रख रहा है, हाथ रख के खांसता है या छींकता है तो वो वायरस उसके हाथ में आ रहा है, और उसके बाद मान लीजिए उसने हाथ नहीं धोया तो सब और उसने और सरफेस को टच करा जैसे डोर ना होता है या टेबल है या अपना कोई नॉर्मल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मोबाइल है अपना मोबाइल टच करा, तो उस केस में वो उस सरफेस पर पेशेंट के हाथ गंदे के हाथ से सरफेस पर वायरस ट्रांसफर हो जाता है और ऐसी सर्फेसिस पर वायरस कुछ वक्त तक रह सकता है बीमार, और उस दौरान आपने उस वायरस को कॉन्टैक्ट कर लिया तो आपके पास उस आपके हाथ पर वायरस आ जाएगा। और नॉर्मली जब लोग भी हैबिट होती है अक्सर अपने आँख को छूना नाक को छूना फेस को छूना, ये इस हैबिट से ये वायरस आपको ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको रिपीटेडली हैंड वॉश करना है, हाथ धोना है बार बार, और किसी भी चीज़ को फौरन चीज़ को धोने के बाद आँख फेस को छूने की आदत को छोड़ना है। अब हम आपको बताते हैं हाथ धोने में आप साबुन का पानी का इस्तेमाल करेंगे तो मिनिमम 2 मिनट तक हाथ धोएं या एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से आप हाथ धो सकते। अब हाथ धोने का तरीका हम आपको बताते हैं, मान लीजिए एक साबुन हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं। मान लीजिए आपको एक है कि आपको एक शक है कि नहीं भी आपने हैबिट बनानी है, साबुन से आपको हाथ धोने के स्टेप्स बताए जा रहे हैं। पहले आपने अपने इस हाथ को रखे उठाया, उसके बाद हाथों के बीच में ऐसे कर दिया, उसके बाद जब ये धुल जाता है फिर आपको नॉक को धुलना, उसके बाद हम सर्फेस को अच्छे से धुलना, उसके बाद हाथ को ऊपर से ब्रॉक से सर्फेस से आपको ऐसे अच्छे से धुलना है दोनों हाथों। और एक बात जान लीजिए, जब ऐसे 2 मिनट तक आपने ऐसे पूरा प्रोसीजर करा उसके बाद आपने जो टैप चला रहे हाथ धोने के बाद उस टैप को आपको नहीं छूना है क्योंकि उसके सरफेस पर भी वायरस हो सकता है। तो आपको एक ड्राई टॉवल लेकर उससे अपना हाथ साफ करने के बाद उसी से आपको उस टैप को बंद करना है। उस इस फेज में आपके हाथ पर वायरस फ्री है, ये आपको तरीका अपनाना है। ये आप प्रिकॉशन लेंगे और साथ में आप बाहर जा रहे हैं एक्सपोजर है तो आप मास्क लगा सकते हैं जिसमें वो 95% बेस्ट प्रोटेक्टिव मेजर इससे आप बचा कर सकते। आप ये सब प्रिकॉशन लीजिए जिससे आप आपका फैमिली और सोसाइटी सब सुरक्षित रहें। यही मेरी आप लोगों से एडवाइस है।
मिनिमम एक्सपोजर करिए, घर में रहिए, बहुत मजबूरी में कोई ज़रूरत हो केवल कभी घर से बाहर निकलिए, ताकि आप इस तरह अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास वाले को और अपनी सोसाइटी को बचाने में योगदान करें। थैंक यू।